देखिए मैडम विधान पार्षद है, चिराग पासवान जी की पार्टी से है और हम लोगों का एक तरह से कहिए घरेलू संबंध है, जाना आना हमेशा लगा रहता है। अभी आए थे तो मुलाकात करनी थी, उन्हें एक तरह से थैंक्स भी देना था कि उन्होंने जिस तरह से आवाज़ उठाया, आज मामला वहाँ सीबीआई तक पहुँचा हुआ, मुख्यमंत्री से बात की है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से बात किए थे, तो इन्हीं तमाम बिंदु पर हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि जो सीबीआई जो जांच के आप लोग मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार अभी तक 60 दिन होने के लिए जा रहा है और स्थिति जहां आज से पहला दिन था उसकी स्थिति पर पूरे देश के लाखों लोग लगातार शुरू से जब से घटना घटी है तब से सीबीआई कर रही है और हम लोग कुछ और काम भी करते हैं तो लोग कहते हैं पहले सीबीआई फिर उसके बाद कुछ और काम, इसलिए हम लोग भी शुरू से सीबीआई के लिए लगे हुए हैं कि सीबीआई जांचो और सीबीआई के हाथ में मामला चला भी गया है। लेकिन थोड़ा सा ऑब्स्टिकल हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला पड़ा हुआ है, लोग डाइवर्ट करने के लिए सीबीआई से बचने के लिए लगातार साजिश कर रहे हैं, तो ये मामला अब वहाँ पड़ा हुआ है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि वहाँ से क्या निर्देश होता है, जो भी वहाँ से निर्देश होगा हमको लगता है कि पॉजिटिव ही होगा। तमाम देश के लोग, तमाम कलाकार, मुंबई के सभी दल के लोग चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और एक दल चाहता है कि सीबीआई जांच नहीं हो, तो मुझे लगता है कि जो नहीं चाहते हैं जाँच हो, किस वजह से नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्या दोष है, क्यों दोषी है, ये तमाम चीज़ें लोग चाहता है कि अब सामने आ जाए और सीबीआई जांच करेगी, तो ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएगा और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच करे और तमाम जो दोषी है उसे सामने ले आए और निर्दोष कोई फंसे नहीं, हम लोग ये भी चाहते हैं।